हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सभी लोग ठीक होंगे। बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग क्लास 9th का मैथ्स पढ़ रहे हैं, और मैथ्स अभी अब हम लोगों ने क्या पढ़ना स्टार्ट कर दिया है, तो ज्यामिति पढ़ना, सॉरी क्षेत्रमिति पढ़ना स्टार्ट कर दिया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेंसुरेशन। अब इसी में हम लोग आगे बढ़ेंगे। हालांकि पिछले क्लास में हम लोगों ने परिमाप के बारे में बात की थी, ठीक है? परिमाप, परिमाप क्या होता है? किसी भी आकृति में जो भी बाउंड्री होती है, जो भी सीमा होती है, अगर उसको हम लोग जोड़ दें तो क्या मिलता है हमें? परिमाप मिलता है। एक एक बेसिक सा सवाल देखो, यहाँ पे देखना। मान लेते हैं यह एक त्रिभुज है, ए बी सी, और ए बी का लंबाई है 5 सेंटीमीटर, बी सी की लंबाई मान लेते हैं 6 सेंटीमीटर, और एसी की लंबाई मान लेते हैं 9 सेंटीमीटर है। और अगर मैं आपसे पूछता हूं कि बताइए इस वाले त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, तो आपको कहना चाहिए कि सर 5, 6 और 9 को जोड़ दीजिए, आपको उत्तर मिल जाएगा। तो 9, 6, 15, 15, 5, 20, यानी कि 20 सेंटीमीटर इसका क्या होगा बच्चों? परिमाप होगा, ठीक है? तो इस प्रकार से चीजें हम लोगों ने सीखा था कि परिमाप क्या होता है, 2D फिगर क्या होते हैं, ठीक है, त्रिभुज का परिमाप या विभिन्न आकृतियों का परिमाप, और थोड़ा वो क्षेत्रफल के बारे में भी सीखा था। इसी क्रम को हम लोग अब आगे बढ़ाते हैं, ठीक है बच्चों? और आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन आने वाला है। ये रहा एक रिकॉल क्वेश्चन, इस रिकॉल क्वेश्चन को हल करिए, ठीक है? इसीलिए मैंने चैट बॉक्स बंद कर दिया, लेकिन पोल सेक्शन मैंने ऑन कर दिया। जो भी बच्चे इस सवाल को हल करेंगे, वो कहाँ पे इसका आंसर करेंगे? पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। सवाल बड़ा सिंपल सा है। लिखा है कि यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 6, 7 तथा y सेंटीमीटर हैं और परिमाप 17 सेंटीमीटर है, तो y का मान ज्ञात करिए। बहुत ही प्यारा सा सवाल है, इसको हल करने की कोशिश करिए सभी लोग। सारे बच्चे इसका उत्तर करिए, इसका उत्तर करेंगे सभी लोग पोल सेक्शन में। ठीक है, चलिए बच्चों, मैंने अब चैट सेक्शन ऑन कर दिया है। अगर आप इसका उत्तर जानते हैं तो चैट सेक्शन में इसका उत्तर कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसको हल करने की हम लोग कोशिश करते हैं और देखते हैं कि इसका उत्तर क्या आ रहा है। देखिए, सवाल में बोला है कि यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और वाई सेंटीमीटर हैं। तीन भुजाएं बच्चों, 6, 7 तथा वाई, और परिमाप 17 सेंटीमीटर है, तो वाई का मान ज्ञात करना है आपको। एक बात बताइए आप लोग, त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? तो आप कहेंगे सर तीनों ही भुजाओं का योग। जैसे मान लेते हैं कि यह एक त्रिभुज है, ठीक है बेटा, इस प्रकार से एक त्रिभुज दे रखा है जिसकी लंबाई क्रमशः कितनी कितनी है, तो 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और y सेंटीमीटर। तो आपको करना क्या है, आपको y का मान ज्ञात करना है। आखिर ये y की जगह पे क्या आएगा, क्योंकि परिमाप का मान दे रखा है बच्चों कितना, 17 सेंटीमीटर। अब परिमाप का मतलब क्या होता है, तीनों ही भुजाओं का योग, तीनों ही भुजाओं को जोड़ दीजिए, यानी 6 प्लस 7 प्लस y बराबर 17। 7 और 6 कितना होता है बच्चों, 13 होता है, 13 प्लस y बराबर 17।
अतः वाई बराबर क्या होगा बच्चों, तो 17 माइनस 13 घटा दीजिए, 17 में से 13 घटाएंगे क्या आएगा, तो 4 सेंटीमीटर आएगा उत्तर। अब सही विकल्प कौन सा होगा उस हिसाब से, तो सही विकल्प होगा विकल्प नंबर ए। बच्चों क्या आपको ये बात समझ में आ गई, अगर हाँ तो वाई, हाँ जो भी है वाई लिखेंगे और नहीं तो एम लिखेंगे। यस गुड आरती गुड। किसी बच्चे को कोई डाउट है, अगर डाउट है तो आप माइक ऑन करके पूछ सकते हैं, जिनको भी डाउट है बेटा मैं बोलूंगा नहीं, आराम से आप पूछ लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, बस ये शोर नहीं होना चाहिए। जिस भी बच्चे को कोई डाउट है वो ये माइक ऑन कर सकते हैं और पूछ सकते हैं, डाउट नहीं है बच्चों, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, सारे बच्चों ने देख लिया इसका सही उत्तर। चलिए आज का हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है त्रिभुज का क्षेत्रफल, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल। क्या होता है बच्चों देखिए, किसी त्रिभुज द्वारा एक तल पर घेरा गया क्षेत्र ही त्रिभुज का क्षेत्रफल कहलाता है। आप ऐसे समझ लीजिए ना, आप एक सिंपल सा ऐसे त्रिभुज बना लीजिए, ठीक, इस त्रिभुज का नाम दे दीजिए ए बी सी। तो यह त्रिभुज जितना भी स्थान घेरेगा, ठीक है बच्चों, यह त्रिभुज जितना भी स्थान घेरेगा उसी स्थान को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इसका क्षेत्रफल बोलते हैं। बच्चों क्या ये बात आपको समझ में आई, क्या आपको ये बात समझ में आ गई कि त्रिभुज के द्वारा घेरा गया स्थान ही उसका क्या कहलाता है, क्षेत्रफल कहलाता है। अब आप क्या करिए, अब आप इस टॉपिक को समझने का प्रयास करिए। मान लेते हैं ये एक त्रिभुज दे रखा है, ठीक है बच्चों, इस प्रकार से एक त्रिभुज है ये। अब इसको देखेंगे, इसका ये जो बीसी वाली लाइन है इसको ध्यान से देखो, तो ये सबसे नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ यानी कि धरती की तरफ है। तो इस वाले लाइन का हम लोग नाम रखते हैं आधार, इसको क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। और इसके शीर्ष से यानी कि इस वाले शीर्ष से डाले गए लंब को इसकी ऊंचाई कहते हैं। देखो बच्चों यहां से एक लंब डाला गया, लंब का मतलब ये होता है कि यह जो लाइन है डॉटेड लाइंस हैं, जिनको मैं रेड कलर से बना रहा हूं डॉटेड करके, यह कितना कोण बनाएंगी, तो 90 डिग्री का कोण बनाएंगी। किस पे, आधार बीसी पर, आधार बीसी पर कितने डिग्री का कोण, 90 डिग्री। तो यह वाली लाइन क्या कहलाएगी, यह वाली लाइन कहलाएगी इनकी ऊंचाई। बच्चों क्या कहलाएगा, यह है ऊंचाई। क्या आपको ये क्लियर हुआ, सही बच्चे बताएंगे क्या यहां तक आपको क्लियर है, जो भी चित्र है वो अच्छे से क्लियर है। अच्छा ठीक है, तो बच्चों इस प्रकार के त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, इस प्रकार के त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, ये होता है इसका सूत्र बच्चों। क्या आपको ये सूत्र क्लियर है, अगर आपको किसी भी त्रिभुज की, समझिएगा, अगर आपको किसी भी त्रिभुज की आधार और उसकी ऊंचाई दोनों ही मालूम है, तो बच्चों क्या हम लोग निकाल सकते हैं इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, तो हाफ यानी 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। अगर इसको इंग्लिश में लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर आप इसको इंग्लिश में लिखना चाहते हैं बच्चों, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल होगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है, चलो बहुत ही बढ़िया। अब हम लोग कुछ त्रिभुज के प्रकार को सीखेंगे, ठीक है बच्चों, अभी तक जो मैंने बताया क्या वो आपको क्लियर है, अगर हाँ तो वाई टाइप करेंगे और अगर नहीं तो एन टाइप कर सकते हैं आप। क्या बात है, बहुत ही अच्छी बात, क्लियर है, सबको क्लियर है। यस देखो बच्चों,
हम लोग अब समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने त्रिभुजों के प्रकार के बारे में पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। तो पहला टॉपिक है हम लोग का क्या, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है कि जिसका एक कोण कितना होता है, 90 डिग्री होती है। ठीक, ये जो लाइन है, ये वाली लाइन, इसको हम लोग बोलते हैं आधार। आधार बोलते हैं। इस वाली लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। और इस वाली लाइन को हम लोग लंब बोलते हैं। और यही लंब इसकी क्या है, ऊंचाई है। बताओ बच्चों, क्या कोई समझ में आ गया कि अगर एक समकोण त्रिभुज दिया रहेगा तो आधार क्या होता है, कर्ण क्या होता है, लंब क्या होता है, या फिर लंब का ही दूसरा नाम है ऊंचाई, या फिर लंब को इंग्लिश में बोल सकते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है, लंब को इंग्लिश में बोल सकते हैं परपेंडिकुलर। अजय नाम से जो बच्चा है, बताइए क्या दिक्कत है आपको, माइक ऑन करके बताइए। सर, जो आपने अभी समझाया था, सर शुरू से समझाना है एक बार इंग्लिश में। देखो इंग्लिश में ये है, जैसे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ रहे हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल इज अ ट्रायंगल इन विच वन एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। राइट एंगल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री होता है। एंड इफ वी टॉक अबाउट दिस लाइन, अगर हम इस लाइन के बारे में बात करें, देन इट विल बी नोन एज बेस। एंड इफ वी टॉक अबाउट दिस लाइन, देन इट विल बी नोन एज परपेंडिकुलर। एंड दिस लाइन, ओके, दिस लाइन इज नोन एज सर आवाज नहीं आ रही हाइपोटेन्यूज। आपकी, कट कट के आ रही है। हाँ आवाज नहीं आ रही है बच्चों, मेरी आवाज आ रही है क्या या नहीं आ रही है? मेरी आवाज आ रही है, सारे बच्चे बताएंगे मेरी आवाज आ रही है। तो अजय कुमार के नाम से जो भी बच्चा है, मेरी आवाज क्लियर है बेटा, आप एक बार क्लास को रीज्वाइन कर लो, शायद ये दिक्कत ठीक हो जाए। सर, फिर नेट नहीं चलता। देखो बच्चे बोल रहे हैं कि सर आवाज क्लियर है, अब बताओ। सर अब आपकी क्लियर आवाज आ रही है। अभी आ रही है। तो मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में सीख रहे हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल में जो सबसे नीचे वाली जो लाइन होती है ना बेटा, जिसपे वो ट्रायंगल बना होता है या फिर खड़ा होता है, उस वाली लाइन को हम लोग बेस बोलते हैं। ठीक है, इसको मैंने हिंदी में आधार के नाम से लिखा हुआ है। देखो ये वाली लाइन बेस है, और ये वाली लाइन हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस कर्ण है। और ये जो लाइन आप देख रहे हो, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, यानी यह इसकी हाइट है। तो परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस, और ये वाली लाइन है इसका क्या, बेस। अजय कुमार के नाम से जो भी बच्चा है, क्या आपको ये बात क्लियर हुआ? यस सर। गुड। अब हम लोग बात करेंगे बेटा समबाहु त्रिभुज के बारे में। समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल इज अ ट्रायंगल इन विच ऑल द साइड्स आर इक्वल। इक्विलेटरल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल है जिसमें सभी की सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। इसीलिए इसका नाम होता है समबाहु। सम मतलब होता है समान, अबाहु मतलब भुजा, यानी एक ऐसा त्रिभुज जिसकी सारी भुजाएं आपस में बराबर हैं, वह कहलाता है समबाहु त्रिभुज। ठीक, अब इसके लिए क्या है, इसके लिए क्या है, देखो तो इसके लिए आधार का मान कितना है ए, और ऊंचाई का मान कितना है बेटा, तो √3/2 × a। ये आपको लर्न करना चाहिए, ठीक है, अच्छे से लर्न करना चाहिए आपको। क्या आप देख पा रहे हैं, क्या ये आप देख पा रहे हैं कि ऊंचाई कितना है, आधार कितना है? यस ओके ओके, ठीक सर। है, गुड। तो आप देख सकते होंगे समकोण त्रिभुज का, ठीक है बच्चों समझना, जो समकोण त्रिभुज है उसका ऊंचाई है ए और उसका आधार कितना है, बी। इसी प्रकार से अगर हम समबाहु त्रिभुज के बारे में बात करें, तो इसका आधार है ए और इसकी ऊंचाई है √3/2 × a। ये जानते हो क्या लिखा हुआ है, वो ये ऐसे लिखा हुआ है, देखो √3/2 × a, ये जो चीज है वो ऐसे लिखी गई है। इसी प्रकार हम बात यस करेंगे अब समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, तो समद्विबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी दोनों ही भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं, और तीसरी वाली बराबर। भुजा अलग होती है। ठीक है बच्चों, समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं बस बराबर होती हैं, बाकी भुजाएं आपस में बराबर नहीं होती हैं। तो अब आप पाएंगे कि इसका आधार क्या है, इस चित्र के अनुसार बी है। देखो ये इसका आधार हो जाएगा, यानी कि बी हो जाएगा।
ऊंचाई क्या है बच्चों, इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है, पहले आप अंडर रूट बनाइए, अंडर रूट में बना के ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में 4 लिखिए, तब ये होगा क्या इसकी ऊंचाई। फोर ऊंचाई मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, रेड लाइन नहीं ग्रीन से मैं दिखा देता हूँ ताकि आपको एक आइडिया लग जाए। देखो मैंने ग्रीन लाइन से दिखा दिया, ये है इसकी क्या बच्चों ऊंचाई। क्या आपको ये क्लियर हुआ? हो गया सर। गुड। सर अब हम लोग क्या सीखने वाले हैं? तो सर अब हम लोग सीखने वाले हैं समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल और समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है बच्चों, ये हम सीखने वाले हैं, लेकिन उसके पहले आपको थोड़ा सा एक चीज सीखना पड़ेगा, वो है क्या? देखो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों? देखो तो हाफ एक यानी वन बाई बट्टा टू दो गुणा आधार बी आधार गुणा ऊंचाई। ऊंचाई। ठीक है, माइक नहीं ऑन करेगा कोई भी। तो अगर एक समकोण त्रिभुज है तो उसका सूत्र होता है क्षेत्रफल का, हाफ यानी 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। आधार का मतलब बेस, ऊंचाई का मतलब हाइट। चलिए अब बात करते हैं समबाहु त्रिभुज के बारे में। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कौन बताएगा? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? कोई है जो बता सके इसको? चलिए मैं ही बताता हूं, चूंकि हम लोग जानते हैं बच्चों, सर चूंकि हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज का तीन सूत्र बट्टा होता दो है क्षेत्रफल के लिए, हाफ आधार, समझिएगा आधार इंटू ऊंचाई। थोड़ा सा ये बात कर लिया जाए तो देखना, हाफ इंटू आधार कितना होगा? मान लेते हैं इस प्रकार से एक समबाहु त्रिभुज है बच्चों, ध्यान से देखना, बड़े ही ध्यान से देखना जो मैं बता रहा हूं। ए बी सी और इसका लंबाई है ए ए ए, तो आधार का मान कितना होगा बच्चों? ए होगा। ऊंचाई का मान कितना होगा? अभी को हम लोग पीछे सीख करके आए हैं कि इसके लिए ऊंचाई का मान आता है कितना, √3/2 इंटू ए। ऊंचाई की जगह पे रख दीजिए मान √3/2 इंटू ए। अब 2 का गुणा 2 से करा दीजिए तो आप पाएंगे 4। करड़ी में 3 का गुणा 1 से करा दीजिए तो आप क्या पाएंगे? करड़ी में 3, तो करड़ी में 3/4। अब ए का गुणा बच्चों ए से करा दीजिए तो क्या पाएंगे आप? ए स्क्वायर। तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं दूसरे शब्दों में, करड़ी में 3/4 भुजा का वर्ग। क्यों? क्योंकि ए हम लोग क्या मान के चले थे? भुजा मान के चले थे। बताइए कि आपको ये बात समझ में आई? गुड। सारे बच्चे बताएंगे कि क्या आपको ये दोनों ही सूत्र क्लियर हैं? एकदम अच्छे से क्लियर होना चाहिए, क्योंकि इसी पर आपको सवाल लगाना है बच्चों। अगर ये क्लियर नहीं होगा तो आप सवाल भी नहीं लगा पाएंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ आराम से मुझे बताइए कि जो भी चीजें हैं अच्छे से क्लियर हैं? क्लियर है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, देखते हैं कितने लोग उत्तर करते हैं। मान लेते हैं कि यह एक समकोण त्रिभुज है इस प्रकार से, इसका नाम दिया है ए बी सी। इसके आधार की लंबाई है बच्चों 8 सेंटीमीटर और इसके ऊंचाई का मान है 7 सेंटीमीटर। तो हमको बताना है इस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, बताइए कितना उत्तर आएगा? इस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, बताइए कितना उत्तर आएगा? तो उमर अंसारी के नाम से जो बच्ची है वो बता रही है 28 सेंटीमीटर। आई थिंक इनका नाम सबाना है जहां तक मुझे याद है।
शबाना ने बोला 28 सेंटीमीटर, अजय कुमार के नाम से जो बच्चा है वो बोला 28 सेंटीमीटर, बाबू मलिक 28, ठीक है, विनोद गिरी 28, हर्षित आरती 28, पवन 28, ठीक, साहिल, सारे लोग बोल रहे हैं कि सर 28 सेंटीमीटर आएगा। बच्चों थोड़ा सा करेक्ट करना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा करेक्ट करना पड़ेगा, बाकी तो आप लोग सही बता ही रहे। देखो समकोण त्रिभुज है ना, तो इसका सूत्र बनेगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस का मतलब आधार और हाइट का मतलब बच्चों ऊंचाई। आधार का मान कितना है, तो 8 सेंटीमीटर है। ऊंचाई का मान कितना है बच्चों, 7 सेंटीमीटर है। 8 को कट कर दीजिए 2 से, तो 2 चौक 8, 7 का गुणा कर दीजिए 4 से, तो 7 चौक 28। अब बच्चों मैं बार बार आपसे बोलता हूं कि जब भी क्षेत्रफल आता है तो वह वर्ग इकाई होता है, यानी वर्ग इकाई मात्रक होता है। आप इस चीज का ध्यान नहीं रखते हैं, जबकि गलत हो जाएगा इससे। वर्ग इकाई का मतलब है कि क्षेत्रफल का मान हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, या फिर मीटर स्क्वायर में आएगा, या फिर किलोमीटर स्क्वायर में आएगा, इत्यादि एटसेट्रा। ठीक है, एटसेट्रा का मतलब होता है ऐसे ही क्रम ये बढ़ता चला जाएगा। एटसेट्रा कोई यूनिट नहीं है, मैंने ये बताया कि ऐसे ये क्रम बढ़ता चला जाएगा। क्या आपको ये क्लियर हुआ, 28 सेंटीमीटर स्क्वायर क्लियर हुआ? कोई डाउट है, किसी को भी डाउट है? नहीं है, बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो कभी भी हम लोग ऐसे नहीं लिखेंगे कि आप 28 सेंटीमीटर लिख दीजिए, बात खत्म करिए। नहीं, अगर हमें क्षेत्रफल लिखना है तो हमको वर्ग इकाई लिखना पड़ेगा। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर मीटर है तो मीटर स्क्वायर, किलोमीटर है तो किलोमीटर स्क्वायर। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा बच्चों। ठीक है, चलिए एक टॉपिक हम लोग का और बच गया है, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, समद्विबाहु त्रिभुज। अब इसी का क्षेत्रफल देख लेते हैं। तो बच्चों इसका क्षेत्रफल होता है, ठीक है, यहाँ पे देखिए मैं खाली जगह पे लिख रहा हूँ, 1/2 × √ a²-b²/4 × b। इस प्रकार से इसका उत्तर आता है बच्चों। क्या आप लोगों ने ये सीख लिया, तीनों ही फार्मूले आप लोगों को समझ में आ गए? अगर तीनों ही फार्मूले आपको समझ में आ गए तो एक बार अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो अब हम कुछ प्रश्नों को हल करेंगे, जिस प्रकार से मैंने आपको सिखाया उसी प्रकार से हल करिएगा। लेकिन उसके पहले मैं एक क्वेश्चन करा देना चाहता हूं। देखो बेटा, एक क्वेश्चन देखो। मान लो एक समबाहु त्रिभुज दे रखा है, ए बी सी। इस समबाहु त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर, तो बताओ इस वाले की लंबाई और इस वाले की लंबाई कितनी होगी? सबसे पहले ये बताओ, आप चैट बॉक्स में बताओ। अगर यह समबाहु त्रिभुज है और एक की लंबाई है 5 सेंटीमीटर, तो अलग अलग जो भुजाएं हैं ए बी और बी सी ए सी, उनकी भुजा की लंबाई कितनी होगी? 5 सेंटीमीटर ही होगी ना बेटा? बढ़िया, ठीक है, 5 सेंटीमीटर ही होगी अलग अलग, यानी ए बी का मान भी 5 सेंटीमीटर होगा और ए सी का भी मान 5 सेंटीमीटर होगा। आप सभी को मालूम होना चाहिए कि समबाहु समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है करड़ी में 3/4, यानी √3/4। ठीक है बेटा, समझना, √3/4 × भुजा का स्क्वायर, यानी साइड का स्क्वायर, यही होता है सूत्र। अब इसी सूत्र का प्रयोग करके मुझे इसका क्षेत्रफल बताइए कितना आता है। इसी सूत्र का यूज करके मुझे क्षेत्रफल बताइए, सारे बच्चे बताइए चैट बॉक्स में। लिखने में दिक्कत हो रही है? जो भी उत्तर आ रहा है, मैं समझ सकता हूं कि आप लोगों को लिखने में दिक्कत हो रही होगी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं आपको इस चीज को सिखा देता हूं। देखो सूत्र होता है कड़ी में 3/4, यानी √3/4 × साइड का स्क्वायर। साइड दे रखा है बच्चा,
साइड दे रखा है कितना, पांच, तो पांच का वर्ग हो जाएगा। पांच का वर्ग कितना होता है, सारे बच्चों को मालूम होना चाहिए कि पांच का स्क्वायर होता है 25। 25 का गुणा करड़ी में 3 में करा दीजिए तो हो जाएगा 25 करड़ी में 3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आपको ये बात समझ में आ गया? देखो मुकेश नाम से जो बच्चा है उसने आंसर लिख दिया है 25√3/4। नहीं आया, कोई बात नहीं, मैं दोबारा समझाता हूँ। कोई बात नहीं बेटा, मैं दोबारा समझाता हूँ। देखो क्या है ना कि आपसे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है, तो ये वाला सूत्र लगा सकते हैं ना हम लोग। हाँ अभी को तो सिखाए हैं कि √3/4 × भुजा स्क्वायर होता है। तो अब क्या करिए आप लोग, इस वाली भुजा में मान रख दीजिए। तो भुजा का मान यानी कि 5 सेंटीमीटर है, तो 5 का वर्ग कितना होता है, तो 5 का स्क्वायर होता है 25। अब 25 का गुणा किस में होगा, √3 में होगा। तो ये गुणा होगा तो बाहर ही तो रहेगा बेटा, अंदर तो जा नहीं पाएगा, तो 25√3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। एक और प्रश्न के माध्यम से इस चीज को समझने का प्रयास करिए। चलिए कोई बात नहीं, एक और क्वेश्चन लेकर के इसको समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। अब की बार इस त्रिभुज का नाम है PQR, ठीक है बेटा, इस प्रकार से नाम है PQR। अब मान लेते हैं कि सवाल में इसका उत्तर दे रखा है, या फिर इसका जो QR का मान है वो है 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर, इस प्रकार से। इसलिए इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, बच्चों मेरी आवाज आ रही है? बच्चों मेरी आवाज आ रही है? यस सर। गुड। तो देखो मैंने क्या बताया, मैंने इसी सूत्र का यूज किया। अब देखो जब 8 का स्क्वायर करोगे आप, क्या आएगा, 64 आएगा बेटा, ठीक है। अब 64 को कट करोगे किससे, 4 से, तो क्या आएगा, 16 आएगा, ठीक है। अब 16 का गुणा किसमें करना है हम लोगों को, √3 में। तो इसका उत्तर आ जाएगा 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर होगा। बताइए ये बात क्लियर है? आरती कहाँ दिक्कत है, माइक ऑन करके बताओ। जिस बच्चे को डाउट है वो जल्दी से माइक ऑन करके बताइए। सर आपकी स्क्रीन नहीं आ सर रही। मुझे समझ में नहीं आ रहा। अच्छा ठीक, सर आरती की, आपकी, हाँ अब अब स्क्रीन आ रही है। यस सर। वैशाली नाम से जो, सर आ तो रही है। सर हाँ बताइए। ये शुरू से समझा दो सर एक बार। अच्छा अभी भी स्क्रीन नहीं आ रही है क्या? सर आ आ रही रही है। है, मैं यस शुरू से सर। समझा देता हूँ। वैशाली नाम से जो बच्ची है अपना प्रॉब्लम बताइए, माइक ऑन करिए। सर आपकी स्क्रीन नहीं आ रही। एक बार क्लास को रीज्वाइन कर लो, क्योंकि देखो सारे बच्चे बोल रहे हैं कि स्क्रीन आ रही है। सर आप एक स्क्रीन नहीं आ रही और आवाज भी नहीं आ रही। स्क्रीन नहीं आ रही है, ऐसा नहीं हो सकता। देखो बेटा स्क्रीन तो आ रही है, बाकी बच्चे तो बता रहे हैं। सर आप आ रही है सर आवाज आपकी। आ गई सर। आपकी आवाज और स्क्रीन सदन।
अब आवाज मेरी क्लियर है? सर आपकी क्लियर आवाज आ रही है। अभी क्लियर है ना? यस सर। यस और स्क्रीन? यस सर सर क्लियर वो भी। अच्छा ठीक है, अब मैं समझाना स्टार्ट करता हूँ फिर। ठीक है, अब मैं समझाना स्टार्ट करता हूँ। देखो मैंने क्या सिखाया, देखो यहाँ पे एक त्रिभुज दे रखा है जो कि है समबाहु त्रिभुज। समबाहु, समबाहु का मतलब होता है जिसकी तीनों ही भुजाएं बराबर हों। यहाँ पे एक भुजा का मान है 8 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा का मान 8 ही होगा, तीसरी का भी मान 8 ही होगा। समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है ना बेटा, उसका सूत्र होता है √3/4 × साइड का स्क्वायर। साइड का मतलब भुजा, आप यहाँ साइड को काट करके भुजा भी लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आप भुजा लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब भुजा की लंबाई दे रखी है कितनी, 8 सेंटीमीटर। तो 8 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, 64 होता है। ठीक, 8 का स्क्वायर 64, मैंने यहाँ पे 64 रख दिया। अब इस 64 को कट करोगे 4 से, ठीक है बेटा, इस 64 को कट करोगे 4 से क्या आएगा, 16 आएगा। और यह 16 गुणा करेगा किससे, √3 से। तो क्या आएगा उत्तर, तो 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, ये आपका उत्तर। ओके सारे बच्चों को ये बात क्लियर हो गई, अब बताएंगे। सारे बच्चों को बात ये क्लियर हो गई कि कैसे मैंने सवाल को हल किया। गुड गुड, चलिए अब आपकी स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चंस आने वाले हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन, इसको हल करने की कोशिश करो बेटा। इसलिए मैंने पोल सेक्शन बंद कर दिया, लेकिन मैंने चैट सेक्शन ऑन, सॉरी पोल सेक्शन ऑन कर दिया, चैट सेक्शन बंद कर दिया। इसका उत्तर करिए, इसका उत्तर करिए बेटा। बाकी बच्चे इसका उत्तर करिए बेटा। ठीक है बेटा, अब मैंने चैट सेक्शन ऑन कर दिया, मैंने चैट सेक्शन ऑन कर दिया, इसका उत्तर करिए चैट सेक्शन में। ठीक है, बढ़िया, गुड बच्चों, गुड।
सर आपकी आवाज नहीं आ रही। बच्चों क्या मेरी आवाज आ रही है? ओके ओके ठीक है, चलो इसको हल करते हैं। अब देखो क्या है, हम लोगों को क्षेत्रफल ज्ञात करना है इस त्रिभुज का। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है हाफ इंटू बेस यानी कि आधार इंटू ऊंचाई। आधार का मान कितना है बच्चों? तो आधार का मान है बी। ऊंचाई का मान कितना है बच्चों? तो ऊंचाई का मान है एच। अब बताओ सवाल में बी का मान दे रखा है कि नहीं दे रखा है? कितना है? 5। एच का मान भी दे रखा है, कितना है? 10। तो 10 को आप 2 से भाग दे दीजिए, कितना आएगा बेटा? 5 आएगा। आप 5 और 5 का गुणा कराओगे तो क्या आएगा? 25 आएगा, यानी 25 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो सही विकल्प कौन सा होगा? तो विकल्प नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। बताओ ये क्लियर है या नहीं क्लियर है बच्चों? क्लियर है ना? गुड बच्चों, गुड गुड, अच्छी बात है। सारे बच्चों ने देखा कि सर विकल्प नंबर बी सही उत्तर होगा। चलिए इस वाले क्वेश्चन को करिए, इस वाले क्वेश्चन को करिए। इसलिए मैंने चैट बॉक्स बंद कर दिया, लेकिन हाँ पोल सेक्शन बच्चों मैंने ऑन कर दिया। मैंने पोल सेक्शन ऑन कर दिया, बाकी सारे बच्चे इसका उत्तर करेंगे पोल सेक्शन में। बाकी सारे बच्चे इसका उत्तर करेंगे कहां पर? पोल सेक्शन में। क्यों? क्योंकि मैंने चैट बॉक्स बंद किया है। मैंने चैट बॉक्स बंद किया। चलिए अब इसका उत्तर करिए आप लोग। मैंने चैट बॉक्स ऑन कर दिया, ठीक है, इसका उत्तर करिए आप लोग। ठीक है बच्चों, इसका उत्तर करिए। ओके ओके ओके, चलिए अब इसका हम लोग हल देखते हैं। ठीक है, अब इसका हल देखते हैं। यहां पे लिखा हुआ है कि यदि चित्र में दिखाए गए ब्रेड का आधार 3 सेंटीमीटर है। चलो ये जो ब्रेड है वह मान लेते हैं एक त्रिभुज की आकृति का है, हालांकि ये त्रिभुज है भी। ठीक है बच्चों, ध्यान से अगर देखोगे आप तो एक त्रिभुज बन रहा है, इस प्रकार से एक त्रिभुज है। अब क्या है, ब्रेड का आधार दे रखा है यानी कि ये वाला आधार 3 सेंटीमीटर, और इसका क्षेत्रफल दे रखा है यानी ये कितने एरिया में कितने भाग में ये फैला हुआ है वो दे रखा है। क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है अगर समकोण त्रिभुज है तो 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। क्षेत्रफल का मान कितना है? क्षेत्रफल का मान है 6। आधार का मान कितना है बच्चों? 3।
बच्चों आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? स्क्रीन दिखाई दे रही है? गुड। सबनम यानी नहीं, सबाना आई थिंक है ना, सबाना, या सबाना के नाम से जो बच्ची है उसने बिल्कुल सही किया हुआ है। क्या आपको ये सवाल समझ में आया? क्या आपको ये सवाल समझ में आया? ठीक है बच्चों, ठीक है। तो इसका सही विकल्प होगा विकल्प नंबर सी। चलिए इस क्वेश्चन को हल करिए, इस क्वेश्चन को हल करिए। मैंने चैट सेक्शन बंद कर दिया लेकिन पोल सेक्शन ऑन कर दिया। पोल सेक्शन मैंने ऑन कर दिया। बहुत ही प्यारा सवाल है, ठीक है। बोला है कि 6 मीटर की भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। ध्यान से लगाएंगे तो जरूर आपका इसका उत्तर सही मिलेगा। बस सूत्र का यूज करिएगा। कौन से सूत्र का यूज करिएगा? तो करड़ी में 3/4 इंटू भुजा का वर्ग। चलिए अब इसको हल करते हैं, ठीक है। लेकिन उसके पहले मैंने चैट बॉक्स ऑन कर दिया है, तो जो भी बच्चे इसका उत्तर करना चाहते हैं चैट बॉक्स में इसका उत्तर कर सकते हैं। बाय बाय सर। ठीक है अब इसको हल करते हैं। लिखा हुआ है 6 मीटर की भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक बात बताइए बेटा आप लोग, कौन सा त्रिभुज है ये? तो आप देखेंगे यह समबाहु त्रिभुज है। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 इंटू भुजा का वर्ग यानी भुजा का स्क्वायर। भुजा का मान दे रखा है ना 6 मीटर, ठीक बच्चों 6 मीटर दे रखा है। इसको हल करिए। 6 का वर्ग कितना होता है? तो 6 का वर्ग होता है 36। 36 को 4 से भाग दे दीजिए, 9 आएगा। यानी अगली लाइन से हम लोग लिख सकते हैं 9√3 मीटर स्क्वायर। अतः विकल्प नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। क्या बच्चों आपको ये क्लियर हुआ? क्या आपको ये क्लियर हुआ? ठीक है हाँ। सवाना आपका आंसर गलत है बेटा, 18 मीटर स्क्वायर नहीं आएगा। ओके अगली बार से अच्छे से ट्राई करना। ओके सारे बच्चों को ये बात क्लियर है? एक बार जल्दी से वाई टाइप कर देंगे अगर ये बात क्लियर है तो। जल्दी से वाई टाइप करिए। ठीक है ओके गुड। चलो बेटा हम लोग अपनी क्लास को और आगे बढ़ाते हैं। अब हम लोग सीखते हैं समांतर चतुर्भुज के परिमाप और क्षेत्रफल के बारे में, यानी कि पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होते हैं, ये इनको हम सीखेंगे। देखिए समांतर चतुर्भुज की चारों भुजाओं की कुल लंबाई उसका परिमाप होता है, ठीक है। यानी कि हमने क्या कहा, समांतर चतुर्भुज के बारे में हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए समांतर चतुर्भुज होता क्या है।
देखो बेटा, समांतर चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसमें आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। यानी कि भुजा ए बी बराबर होगा भुजा सी डी के, और भुजा बी सी बराबर होगा भुजा ए डी के। ठीक है बच्चों, ये दोनों बराबर होंगे। और नहीं तो और जो ए बी होगा ना, वो समांतर होगा सी डी के, और बी डी सॉरी बी सी समांतर होगा ए डी के। क्या आपको ये बात क्लियर है कि समांतर चतुर्भुज क्या होता है? देखो, हम लोग ये ज्यामिति में पढ़ चुके हैं। अगर आप एक अच्छे बच्चे हैं तो आपको ये चीजें याद होनी चाहिए, आपने अपनी कॉपी में भी बनाया होगा, नोट किया होगा। ठीक है, तो हम लोग समांतर चतुर्भुज के परिमाप के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। परिमाप होता क्या है? परिमाप का मतलब है वो जो भी भुजाओं से मिलकर बना है, जिन भी बाउंड्री से घिरा हुआ है, उनको आप जोड़ दीजिए, आपको उत्तर मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, इस प्रकार की चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? परिमाप बोलते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सपोज सपोज इस प्रकार से एक समांतर चतुर्भुज बना हुआ है जिसकी एक भुजा की लंबाई ए रखी रखकर दी गई है। ठीक है, ए, और इस वाली भुजा की लंबाई बी स्मॉल बी दी गई है। तो यह ए इस वाले के बराबर होगा कि नहीं होगा, आप खुद बताओ। और यह बी इस वाले के बराबर होगा कि नहीं होगा, आप खुद बताओ बेटा। जो आमने सामने की भुजाएं वो आपस में बराबर होंगी या नहीं होंगी? होंगी ना? ठीक है, तो उस हिसाब से समांतर चतुर्भुज का जो परिमाप होगा वो क्या होगा? चारों भुजाओं का योग, यानी कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। ए बी का मान कितना है? स्मॉल ए। बी सी का मान कितना है बेटा? स्मॉल बी। सी डी का मान कितना है? स्मॉल ए। और डी ए का मान कितना है? स्मॉल बी। तो ए और ए को जोड़ दीजिए, यानी कि 2a। फिर बी और बी को जोड़ दीजिए बच्चों, तो 2b। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसी चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं? देखो, दो कॉमन ले लेंगे। क्यों? क्योंकि दो यहां भी है, दो यहाँ भी है। दो कॉमन लेने के बाद आपको मिल जाएगा 2 टाइम्स ऑफ a प्लस b। या फिर इसको दूसरे शब्दों में लिख सकते हैं, a एक तरीके की लंबाई है, तो 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। क्या आपको ये क्लियर हुआ? एकदम अच्छे से क्लियर हुआ या नहीं हुआ? हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ और सिर्फ उन भुजाओं का मान रखा है, उन साइड्स का मान रखा है। ठीक, कौन कौन से साइड्स हैं? तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, क्योंकि हम परिमाप निकाल रहे हैं और परिमाप में यही तो करते आ रहे हैं, जो भी बाउंड्रीज हैं उनको हम लोग जोड़ते हैं। जब हम लोग जोड़ेंगे तो आप पाएंगे 2a प्लस 2b। ठीक, अब 2 दोनों जगहों पे है तो 2 हम कॉमन ले सकते हैं, तो बचेगा 2 टाइम्स ऑफ ब्रैकेट में a प्लस b। अब a एक तरीके की लंबाई है और b एक तरीके की चौड़ाई है, तो इसलिए इसका सूत्र बनेगा 2 टाइम्स ऑफ लंबाई प्लस चौड़ाई। तो अगर आपसे पूछा जाता है, ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है कि समांतर चतुर्भुज का परिमाप क्या होगा, तो आपको बताना चाहिए कि सर इसका परिमाप होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। बताइए, ये फार्मूला आपको क्लियर हुआ? गुड बच्चों, गुड, अच्छी बात है। आप लोग को समझ में आता तो मुझे भी अच्छा लगता है। गुड, अब हम लोग पढ़ेंगे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ठीक है, आखिर क्या होता है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। अब देखो बच्चों, आपको एक समांतर चतुर्भुज दे रखा है इस प्रकार से। इस प्रकार से एक समांतर चतुर्भुज दे रखा है, चलो मान लेते हैं इसका नाम है ए बी सी डी। तो इस समांतर चतुर्भुज के द्वारा घेरे गए स्थान को ही इसका क्षेत्रफल कहते हैं। तो एक समांतर चतुर्भुज जितना भी जगह घेरता है ना बच्चों, उस पूरे घेरे गए जगह को हम लोग इसका क्या बोलेंगे? क्षेत्रफल बोलेंगे।
क्या आपको ये बात क्लियर है? बिल्कुल सबाना, बिल्कुल आपने सही कहा कि रेक्टेंगल का पेरीमीटर भी एकदम यही होता है। तो समांतर चतुर्भुज एक तरीके से रेक्टेंगल ही है, बस यही है समांतर चतुर्भुज में 90 डिग्री का एंगल नहीं पाया जाता है, जबकि रेक्टेंगल में 90 डिग्री का एंगल पाया जाता है। बढ़िया सवाना, आपने बहुत ही अच्छा पहचाना, गुड। आप एक पढ़ने वाले स्टूडेंट हो, मैं समझ गया, अच्छी बात है, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, तो सारे बच्चों को ये क्लियर हो गया। ओके, सो अब हम लोग थोड़ा सा इसका देखेंगे कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। क्योंकि हम लोग ने बात कर लिया है कि इसको जो भुजा है, एक भुजा है बी और एक भुजा है ए, और इसी से हम लोग चारों भुजाओं का मान ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? देखिए, अगर यह बी है तो इसके सामने वाली भुजा का मान क्या होगा, आप खुद बताओ, चैट बॉक्स में लिख के बताओ। अगर ये नीचे वाली भुजा का मान बी है तो ऊपर वाली भुजा का मान क्या होगा? बी होगा ना बेटा। अरे वाह, बढ़िया, बहुत ही बात, अच्छी बात है ये। हाँ ठीक है, और अगर इस वाले का नाम है स्मॉल ए, इस वाले का लंबाई कितना होगा बताओ बच्चों? तो इस वाले का भी क्या होगा, ए ही होगा। क्यों? क्योंकि सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो वही चीज यहाँ पे लिखी गई है, ए बी बराबर सी डी बराबर ए, बी सी बराबर ए डी बराबर बी। आप चित्र में देख सकते हैं तो आप पा जाएंगे इस चीज को। अब एक टर्म है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, जो कि बोला जाता है शीर्ष लंब। क्या होता है शीर्ष लंब? देखो बेटा, डी एक प्रकार का शीर्ष है। शीर्ष का मतलब है यह एक कोना है। अब इस कोने से इसके सम्मुख आधार पर, आधार कौन है, तो आधार को मैं ग्रीन लाइन से बना देता हूं। देखो ये ग्रीन लाइन यानी कि भुजा ए बी, ठीक इसी भुजा ए बी पर हम लोगों ने क्या डाला, लंब डाला। कहां से? शीर्ष डी से। ठीक है, इस शीर्ष डी से मैंने लंब डाला, जो कि मैंने रेड कलर से बनाया हुआ है, देखो ऐसे। ठीक, तो इस शीर्ष से डाले गए लंब का नाम हो जाएगा शीर्ष लंब। क्या आपको ये क्लियर हुआ कि शीर्ष लंब क्या होता है? जल्दी से चैट बॉक्स में वाई या एन लिखकर के बताओ। चैट बॉक्स में बातें नहीं होनी चाहिए साहिल, बातें नहीं, पढ़ाई करिए। क्या आपको शीर्ष लंब समझ में आ गया कि शीर्ष लंब क्या होता है? तो किसी समांतर चतुर्भुज में किसी भी एक शीर्ष के द्वारा उसके आधार पर डाले गए लंब को ही हम लोग इसको बोलते हैं क्या, शीर्ष लंब। ठीक, तो यहाँ पे जो शीर्ष लंब है वो क्या है, डी एम है, और उसकी ऊंचाई दी गई है एच। तो इसका सूत्र क्या बनेगा? तो इसके क्षेत्रफल का सूत्र बनेगा बेटा आधार गुणे शीर्ष लंब। अब आधार का मान कितना है, तो आधार का मान बी है, और शीर्ष लंब का मान कितना है, तो शीर्ष लंब का मान है एच। तो सूत्र क्या बनेगा, बी इंटू एच, और ये किसके लिए है, तो यह है समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के लिए। बच्चों क्या ये बात क्लियर हुई? हर्षित क्या दिक्कत है आपको, बताइए बेटा, क्या आपको ये सूत्र क्लियर हुआ, कैसे हो रहा है ये, क्या है ये चीज? अगर हाँ तो वाई लिखिए, और अगर नहीं तो एन लिखिए, मैं फिर से बताऊंगा। ठीक है, एक बार मैं फिर से बता देता हूं। ठीक है बेटा, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। देखो मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि इस समांतर चतुर्भुज में जो आधार है ना, आधार उसकी लंबाई कितनी है, बी है, और अगर मैं इसकी ऊंचाई की बात करूं तो वो कितना है, एच है। ठीक, एच है। और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता क्या है, तो होता है आधार गुड़े गुड़े शीर्ष लंब। आधार का मान अभी को मैंने सिखाया ना तुमको बी, और शीर्ष लंब का भी मान सिखा दिया कितना, एच। तो हम लोग क्या कर देंगे, बी का गुणा एच में कर देंगे, जो ही आपका क्या होगा, सूत्र होगा क्षेत्रफल के लिए। तो अगर कोई आपसे बोलता है कि बताइए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आपको बोलना चाहिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार आधार इंटू शीर्ष लंब, शीर्ष लंब। बच्चों यहां तक क्लियर है? बच्चों यहां तक क्लियर है? तो अगर हाँ तो वाई टाइप करेंगे, और अगर नहीं तो एन टाइप करेंगे। क्लियर है ना बेटा? ठीक है, ठीक है, बढ़िया बेटा, बढ़िया। ठीक, थोड़ा सा और बात कर लेते हैं।
देखिए हम आधार के रूप में समांतर चतुर्भुज की कोई भी भुजा ले सकते हैं, परंतु शीर्ष लंब उसी भुजा का लेना होगा जिसे हमने आधार माना है। ये क्या है? देखिए यहां से एक लंब डाला गया है, देखो यहां से एक लंब डाला गया है, तो अब इसके डाले गए लंब के अनुसार जो आधार होगा वो क्या होगा? ए बी होगा। अरे होगा या नहीं होगा, पहले हाँ या ना बताओ, यानी वाई या एन बताओ। साहिल के नाम से जो बच्चा है बोल रहा है कि सर आवाज आपकी नहीं आ रही है। सारे बच्चे बताएंगे क्या मेरी आवाज आ रही है? सारे बच्चे बताएंगे क्या मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ तो रही है। तो साहिल आप एक बार क्लास को रीज्वाइन करो बेटा, साहिल के नाम से जो बच्चा है क्लास को एक बार रीज्वाइन करो, लीव करके क्लास को दोबारा ज्वाइन करो, ठीक है? ये चीजें शायद ठीक होनी चाहिए फिर। हाँ बिल्कुल साहिल, एक बार क्लास को रीज्वाइन करो। तो हमने ये कहा कि इस प्रकार से एक आधार है ए बी, हमने बना दिया ऐसे, और एक लंब है जिसको हम लोग शीर्ष लंब बोलते हैं डीएम। लेकिन अगर इस चीज को हम बदल दें, कैसे बदल दें देखना, ऐसे इस प्रकार से हमने एक चित्र बना दिया, इसका नाम मान लेते हैं, रख दिया मैंने पी Q R S, ठीक है? तो अब समझना मेरी बात को, ठीक है बच्चों? अब समझना, मान लेते हैं मैंने इस पी एस वाली को आधार समझ लिया, ठीक है? इस पी एस वाली को मैंने क्या समझ दिया? आधार। तो अब इसके रिस्पेक्ट में हम लंब कहां से डालेंगे? तो हम लंब डाल सकते हैं Q से। देखना बेटा हम लंब कहां से डालना है, तो Q से, इस प्रकार से। चलो इसका नाम दे देते हैं हम लोग M, M दे देते हैं। तो जो एम क्यू वाली लाइन होगी इसको हम लोग बोलेंगे क्या? शीर्ष लंब। और इस शीर्ष लंब के रिस्पेक्ट में जो आधार होगा वो क्या होगा? पी एस। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? ओके साहिल, ओके। क्या आपको ये बात क्लियर हुआ जो मैंने आपको समझाया? ये बहुत ही क्लियर है ना बेटा? आइए, समझ नहीं आया कोई बात नहीं, इसको हम अब अगली क्लास में ही समझाएंगे। क्यों? अच्छा रुको समझा ही देते हैं, थोड़ा सा लेट लगेगा तो मैं इस चीज को समझना। देखो हमने ये कहा, ठीक है, इस चीज को मैंने ऐसे समझाया ना, देखो एक बार इसको समझने का तुम प्रयास करना बेटा। मैं चाहता तो इसको अगली क्लास में समझा सकता था, लेकिन क्या करूंगा, टाइम की थोड़ी कमी है, थोड़ा सा आप लोग को कोऑपरेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। देखो हमने ये कहा कि आप ऐसा नहीं कि हमेशा डी से ही लंब डालोगे, नहीं आप कहीं और से भी लंब डाल सकते हो। जैसे मान लो तुम्हारा मन कर रहा सी से लंब डालने का, ठीक है, तो ये भी शीर्ष लंब का काम करेगी, ये जो मैंने बनाया ना बेटा, ये भी एक तरीके का क्या है? शीर्ष लंब है। समझ में आया आरती? चलो इसका नाम देते हैं एम। तो ये जो एम सी वाली लाइन है इसको भी हम लोग क्या बोल सकते हैं? शीर्ष लंब बोल सकते हैं। कहने का मतलब ये, अब इसके रिस्पेक्ट में जो आधार होगा वो कौन सा होगा, उसको मैं रेड कलर से बना देता हूं, और वह रेड कलर है ए बी, या ए बी आधार का काम करेगी। क्लियर है ना बेटा? अरे वाह बढ़िया बढ़िया बढ़िया, ठीक है। चलो फिर अब नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी, तब बात करेंगे और इसके ऊपर हम लोग क्वेश्चंस भी करेंगे। अभी के लिए होमवर्क नोट करो सभी लोग। बाय बाय।